Hi guys, and welcome to another Q&A, that is question and answer session in deep dialogue with Akash Deep. Yani, aao bhen chudli tere. Chaliye dekhte hain aaj one of our followers on our channel and very active follower, Sweet Prasaf ne kya message bheja hai. मुझे जानना है कि इतना सब कुछ चल रहा है बिग बॉस के बारे में, तो थोड़ा बहुत मुझे भी बोलना है कि रश्मि ने शो को क्या दिया, सिद्धार्थ ने शो को क्या नहीं दिया, आसिम ने शो को क्या दिया और सना ने शो को क्या दिया. हम जानते हैं कि रश्मि ने शो को एक इस पड़ाव में ला गई कि चोरी करना और झूठ बोलना और बिचिंग करना और लड़ाई के सिवा कुछ नहीं दिया. And I don't know about the stories which he has cooked inside the house, which is true or not, I don't know about it. But हमें झूठ बोलना, sorry, बॉस पसंद नहीं है. Again, Asim, instigation, provocation level, oh my God, it's too high. And वो झगड़ा करता है ना तो मेरी बेटी डर जाती है. जब वो उसकी शक्ल देखती है आसिम की तो मेरी बेटी डर जाती है. तो क्या दिया. और सना तो अभी इतनी अनोइंग हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता वो कर क्या रही है शो में. अगर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं होता तो वो शो में क्या कर रही होती. जब सिद्धार्थ शुक्ला बीमार हो गया था तब भी वो कुछ नहीं कर रही थी शो में, बिल्कुल दिख नहीं रही थी और एंटरटेन भी नहीं कर रही थी. तो इंटरटेनमेंट तो सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बहुत किया है. ही इज़ अ रियल ऑनेस्ट पर्सन, ही स्टैंड बाय हिज वर्ड एंड ही इज़ अ लॉजिकल पर्सन, ही नेवर लाइज एंड he is a person who you know stand for his friends till end. और उसको ट्रॉफी जीतनी चाहिए या जो मैंने जिनके बारे में बात करी उनको जीतनी चाहिए, जो बिचिंग करते हैं, जो फ्लिप मारते हैं और जो अपने दोस्तों के नहीं हुए तो वो किसी और के क्या होंगे. इस घर में अगर आप अपना कोई अच्छा दोस्त जो आपके साथ शुरुआत से साथ उसके साथ नहीं आप रह सके, उसके नहीं हो पाए और उसको कायर, उसको आप डरपोक क्या नहीं बोल रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आती. जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्रॉफी, सो आई वुड लाइक टू से एक विनिंग क्वालिटी एक झूठे और मक्कार को नहीं मिलेगी बल्कि एक सच्चे इंसान को मिलेगी, जो कि है सिद्धार्थ शुक्ला. हाँ स्वीट प्रसाद, most of your points we agree with. मेरे हिसाब से आसिम है बहुत खराब प्लेयर एंड सो इज रश्मि. मैंने कल और परसों के रिव्यूज में भी ये कहा कि मैं बहुत अपसेट हूँ कि मुझे रश्मि को देखना पड़ा एलीट क्लब में बिफोर सना एंड पारस. रश्मि ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो सना और पारस से पहले एलीट क्लब में पहुँच जाए. जब सबको पता था कि विशाल से कम वोट्स हैं उसके, तो जब भी एलिमिनेशंस के वीक आता वोट्स के आधार पे उसे आउट होना चाहिए था. उसके लिए एक अलग सिस्टम बना लिया कि जर्नलिस्ट वोट करेंगे. अब 10 साल से वो एक्टिंग कर रही है, जर्नलिस्ट को जानती है, तो वो सब जान पहचान की वजह से उन्होंने रश्मि को वोट किया. अब इन लास्ट फ्यू कंटेस्टेंट्स में जिन्होंने इस शो को कुछ दिया है उनको क्वालिफाई होना चाहिए ना, ना कि रश्मि. I have a very strong feeling that Rashmi ने इस बार जब शो अग्री किया साइन करने, तो स्पेशली बिकॉज सिड ऑलरेडी था, तो उसने शायद ये शर्त रखी हो कि मैं तभी आऊंगी अगर आप लोग मुझे टॉप 5 से पहले एलिमिनेट नहीं करोगे. आई सी नो अदर रीजन वाई रश्मि इज इन द शो, शी हैज गिवन नथिंग. वो चोरी करती है, वो चीटिंग करती है, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, वो बहुत ही इनलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करती है. जैसे हमेशा जब उसको चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो कहती है वो और आसिम मिलके, आसिम भी उसको डिफेंड करता है कि तो क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट किया ना कि उसने चोरी की. अरे भाई हम कह रहे हैं तुम चोर हो, तुम कह रहे हो मैं चोर नहीं हूं क्योंकि मैंने चोरी एक्सेप्ट की. चोरी एक्सेप्ट करना बात की बात, तुमने चोरी की तुम चोर हो. कौन चाहे अंडा ब्रेड चीज सब ऐसे गंद. छी रश्मि, तुम ऐसे कोई गरीब फुटपाथ घर से तो नहीं आती हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस. फिर तुम डिनाई करती हो, फिर जब हिमेश आता है तुम फंसती हो. समझ में नहीं आता. अरहान का तुम्हें शादी बच्चा पता था, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, अरहान के एस्ट्रोलॉजर ने. फिर तुमने सलमान भाई के सामने आधी बात कही कि मुझे शादी का पता था, बच्चे का नहीं पता था. फिर कहा कि मुझे दोनों का नहीं पता था. डेवोलिना ने भी ये बात कंफर्म की. सो आई अग्री विथ यू स्वीट प्रसाद दैट रश्मि इज एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट. एंड आई ऑल्सो अग्री विथ यू जो तुमने कहा कि आसिम को देखकर मेरे बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं. यार हर कोई हो जाता है.
आसिम जिस स्वैग से आजकल चल रहा है, हाथ हिला रहा है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, उसे लग रहा है वो शो जीत गया। आदमी अच्छाई से शो जीतता है, मैं बार 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 ये कह चुका हूं। इस तरह चीखने चिल्लाने से, ठीक है, चीखने चिल्लाने से आप एक स्ट्रांग अपोनेंट बन गए सिड के, बट किसके? जो नंबर वन एक्सपेक्टेड है, सिड। तुम सिड के टक्कर में आने की कोशिश करते हो जबरदस्ती पोक करके, लड़ के, झगड़ के, वगैरह वगैरह, इसीलिए तुम हो शो में। बट जीतना, आसिम रियाज शो जीतेगा, क्या क्वालिटी है उसमें? पोकिंग 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 पोकिंग, झूठ झूठ झूठ। आई कंप्लीटली अग्री दैट ही हैज नो चांस टू विन। इससे तो बेटर प्लेयर पारस है। एंड व्हाट अबाउट सना? शनाज गिल बहुत अच्छा खेल रही है। आपको लगता है उसकी हंसी फेक है, उसकी लॉयल्टी फेक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझसे पूछेंगे, कुछ चीजें फेक है जो ज्यादा इनोसेंट बनती है, बहुत शातिर दिमाग है, गेम जानती है, बट अदरवाइज लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, वार्म्थ, क्यूटनेस, फन, एंटरटेनमेंट, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं टू बी अ विनर। आई स्टिल थिंक सिड एंड सना आर पोटेंशियल विनर्स ऑफ बिग बॉस 13। एंड देन देर इज पारस एंड देन देर इज आसिफ। आई वुड पुट आरती एट 5। आई डू नॉट अग्री एट रश्मि बींग इन द टॉप 5। I have nothing against Rashmi, but she has done nothing in the show. She has done 50% less than Asim. And for me, Asim has also done nothing. But nothing say 50% below nothing is Rashmi. So somewhere her qualification is poor, is probably planned. But it's okay. 5 mein agar rahegi, I don't want her in the top 3 or top 2. बहुत रेयरली बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है कि डे वन से लेके आज तक एक ही बंदा प्रोजेक्टेड नंबर वन है। जैसे सलमान भाई कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे गेस्ट कहते हैं, सिड है तो शो है। एवरीथिंग सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड सिड, द गुड मोमेंट्स अराउंड सिड, द वीडियोज अराउंड सिड, द फाइट्स अराउंड सिड। और कितना कूल और कंपोज प्लेयर है, एज यू राइटली सेड स्वीट प्रसाद, लॉयल है, काम है, मेच्योर्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, गुड लुकिंग है, पॉपुलर है, बहुत अच्छा खेला है। अगर आप लोगों को लगता है कि लड़ाई में वो थोड़ा सा बदतमीज हो जाता है, तो उसने कहा है मुझे मत छेड़ो। इफ यू रेज द बार ऑफ गुडनेस, आई विल रेज इट फर्दर। इफ यू रेज द बार ऑफ बीइंग बैड, आई विल रिटर्न इट टू यू विद सूद, विद इंटरेस्ट। आपने कभी आज तक देखा है कि बिग बॉस में सिड जाके ऑपोजिट कैंप में बैठता है, उंगली करता है? नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है अपने चार दोस्तों के साथ। आप पोक करोगे, प्रवोक करोगे, जैसे आप कल का एपिसोड भी देख लो, आसिम उस पर चीख रहा था, तेरे को शर्म नहीं आती, तू लॉयल दोस्त नहीं है, तूने सना को सपोर्ट नहीं किया, तूने इतनी पुरानी दोस्त आरती को सपोर्ट नहीं किया, तूने पारस को सपोर्ट किया। अबे बेवकूफ आसिम, यही सना जो सिड की लॉयल है, जब वो टास्क में तुम्हारे लिए वोट करती है तो तुम कहते हो नहीं, ये तो राइट का साथ दे रही है, सच का साथ दे रही है, हाँ? और जब सिड पारस को सपोर्ट करते हैं, जबकि पारस को इस कार्ड की इसीलिए जरूरत है क्योंकि पारस वांट्स टू बी इन द टॉप 5 एंड सिद्धार्थ थिंक्स के सना तो क्वालिफाई हो ही गई है, सना तो क्वालिफाई हो ही गई है, और आरती और माहिरा में से एक अगर आने का चांस था, अब वो मुश्किल है क्योंकि आसिम, रश्मि और सिड है। सिड ने हमने ट्रेलर में देखा पारस को बचाया 4, अब पांचवा कौन आएगा? सना। क्या आप लोग सोचते हो कि सना टॉप 5 की लायक भी नहीं है? है ना? तो सिद्धार्थ ने ये सब सोचा होगा, पारस डिजर्व्स। और उसने और एक बात कहा कि पारस ने 2 बार शो में मुझे बचाया, आई नीड टू गिव इट बैक टू हिम। नाउ दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी, अनदर क्वालिटी दैट आई हैव नॉट सीन इन एनीवन एल्स। या आसिम तो वही है कि जब हिमांशी आई तो वो तो रश्मि से भी लड़ने लगा। ये वही रश्मि है जो मां की तरह गोद में बिठाती है सना को, और जब पलटती कहते हैं तो यूजलेस प्लेयर है। परसों भी बोला, मेरे हिसाब से तो सना प्लेयर ही नहीं है, सिड है तो वो है, वरना वो कुछ नहीं है, जीरो है। मौका देख के फिर तुम उससे प्यार करती हो और उससे फॉल्स दोस्ती करती हो, और फिर ये कहती हो कि सना फेक है। सो आई एग्री विद मोस्ट ऑफ व्हाट यू सेड। इंटरेस्टिंग वीक अहेड। सिद्धार्थ शुक्ला बाय लॉजिक, बाय परफॉर्मेंस शुड बी नंबर 1। I still think Shehnaz Gill should be number 2. बहुत पॉपुलर हो गई है बाहर, ग्रोथ देखिए उसकी, फ्रॉम अ रैंक नोबडी। रश्मि एज अ सुपरस्टार वी न्यू ऑन टेलीविजन,
her qualities, the incidents with Arhan, the cheating, the chori, it's just come down. Do hafte pehle tak she had votes lower than Vishal. Kaise mil gaya jacket yaar? So I agree with you on most of the points, and even my overall analysis now with the last week starting, because today is the 7th, 8th to 15th is the last week. This is not just an answer to you, but to everybody on Deep Dialogue, that Siddharth Shukla and Shehnaz Gill, according to me, should be the top two, followed by Asim, Paras and Rashmi, in that order. Last day tak agar five rahenge, to pehle Paras ya Rashmi eliminate honge. Mujhe lagta hai Rashmi eliminate hogi aur wohi Rasgulla ka muh banayegi. And Paras ko pata hai ki isse aage jana uska mushkil hai. Aur ab it's too late also to do too much. Halanki sunne mein aata hai ki Mahira evict hogi aaj raat ko. To Mahira ke baad wo akela padega, to kya wo apna khul ke game dikhayega? Dikhayega bhi to ek hafte mein is level pe chala jaye ki uski performance sid ya Shehnaz se upar kahi jaye? Nahi. So I think that he is a clever player. He has done reality shows. Wo shayad paise leke nikal jayega. Na Sid paise lega, na Sana paise legi, na Asim paise lenge, kyunki in teeno ko andar se ye strong belief hai ki wo show jeetne ke layak hai. Poor Aarti, desperate to qualify, but very average player. Jo kiya wo sahi kiya, independent karti gayi, but Aarti tumhare mein wo wow wali quality nahi hai to win the show. कल के एपिसोड में भी तुमने कहा कि आई वॉन्ट टू बी इन. प्रोमो में भी हमने देखा जब सिड ने पारस को बचाया, वो बहुत रोई. आई डोंट थिंक वो रोई क्योंकि वो सिड से नाराज है, वो रोई बिकॉज शी इज डेस्परेट टू बी इन द टॉप फाइव एंड शी सेड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ड्रीमिंग दैट आई एम लिफ्टिंग द ट्रॉफी. खैर, हर प्लेयर जो अंदर है उसको ये सोचना ही चाहिए, वरना वो कर क्या रहा है अंदर. लेकिन हमारे लिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ऑल सिड. So thank you, Sweet Prasav. I hope I agree with you and you've got my answer. And to everyone else who's watching it, keep watching Deep Dialogue with Akash Deep. Aao ben chugli connect karte rahenge. Send in more videos like this to akashdeepsabir9@gmail.com. Follow me on Twitter @akashdeep25. And stay tuned. Aaj raat ke episode ke baad, I will be back for a live review if I'm awake. Varna again tomorrow morning on the way to work. Kal bhi kaam hai. कल होपफुली लास्ट डे है. संडे ऑनवर्ड्स वी विल बी फ्री. सैटरडे ऑल्सो बीइंग टुमारो विल बी माई लास्ट शूटिंग डे. तो संडे जल्दी उठना नहीं है, तो सैटरडे वीकेंड के बाद भी मैं लाइव आऊँगा. सैटरडे को मेरा बच्चा, मेरा अजीज़, हमारे बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड्स भाग्यश्री दी एक्ट्रेस जो हैं और हिमालय, उनका बेटा अभिमन्यू लाइव आ रहा है बिग बॉस पे कल के एपिसोड में. उनकी आने वाली फिल्म अप्रैल में निकम्मा की प्रमोशन के लिए, और वो अभी से आ रहे हैं प्रमोशन के लिए क्योंकि उस वक्त जब फिल्म रिलीज होगी तब बिग बॉस नहीं होगा, तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑडियंस को टू द फिल्म एंड टू द रिलीज डेट. तो वॉच अभिमन्यु ऑल्सो. अभी हाल ही में उसने अपनी फिल्म में डेब्यू किया था. सो वॉच द एपिसोड एंड ब्लेस अभिमन्यु. मर्द को दर्द नहीं होता में उन्होंने अभी वासन वाला डायरेक्शन और रॉनी स्क्रू वाला की फिल्म में डेब्यू किया था. बहुत अच्छा एक्लेम मिला, क्रिटिकली एक्लेम मिला, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले. थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ फिल्म थी, नॉट एन ईजी रोल टू डू एंड ही डिड सो वेल. आई होप अभिमन्यू पासिस अ मैसेज टू सिड दैट वी ऑल लव हिम. सो टुमारोज एपिसोड ऑल्सो यू वॉच, टू नाइट वील वॉच. And tomorrow morning while driving to Film City, I'll give you a review of tonight's episode. So guys, all the best. Until next time, bye. Dear Akash, congratulations on your YouTube channel. Deep Dialogues with Akash Deep. मुझे बहुत खुशी है कि ये चैनल आकाश दीप ने शुरू किया है. I'm so happy that Deep Dialogue with Akash Deep is now on YouTube. You never mince your words. You are so precise. You talk about everything with a pinch of humor. You are a rocking star. You always have such a great insight. You have an opinion on everything and knows how to say it right. We can all get a deeper and extensive insight into things, from current affairs to films to whatever you can think of. He's such a knowledgeable man. It's gonna be deep. It's gonna rock. It will do wonders. It's gonna be very, very incisive. It's gonna be a super hit, I know it. So I'm sure it's gonna be a lethal combo and I so look forward to it. You all will love his YouTube channel.
meri best wishes hain. It would be a pleasure to listen to you. And I'm sure your show will reflect all your qualities. Please like and subscribe. Watch Akashdeep. Tune in. Hum enjoy karenge aapka deep dialogue with Akashdeep. Bahut hi amazing idea hai. So 3 cheers and it's gonna be rocking. Congratulations and here's wishing you all the very best. All the best, Akash, my brother. All the very best for this one. All the best, Akashdeep. All the very best for this. All the best. All the very best for this particular endeavor. God bless. Lots of love and all the best. So all the best. Love you, brother. Loads of love and loads of luck to you, Akash. Don't forget Akashdeep's deep dialogue.